हमारी बात होने जा रही है ओबरा इंटर कॉलेज बचाव संघर्ष समिति के संयोजक श्री आनंद कुमार जी से। आनंद कुमार जी, आप ये बताएं कि अभी तक आपने जो आंदोलन किया जी सर कॉलेज को बचाने के लिए, आगे की अब आपकी रणनीति क्या है? आगे की हमारी रणनीति यही होगी कि जब हमने सारे हर जगह लेटर दिया और सुनवाई कहीं से नहीं हो रही है तो हम सोचे कि अब इससे काम नहीं होगा तो हम आगे तक जाने के लिए तैयार हैं और हम यहाँ तक कभी नहीं रुकेंगे। जिनको लग रहा है कि लड़ाई हमारी ख़त्म हो गई है, लड़ाई ख़त्म नहीं हुई, लड़ाई तो अभी प्रारंभ है और लड़ाई आगे तक जाएगी और शीघ्र ही हम श्री माननीय हमारे CM योगी जी से मिलने वाले हैं और उनके सामने हम अपनी बात को रखेंगे। क्योंकि ये सभी आप अब तक ओबरावासी सभी जान गए होंगे कि ओबरा इंटर कॉलेज ही एक ऐसा विद्यालय है जहाँ पे कम पैसे में पढ़ाई हो जाती है और 40-40 किलोमीटर दूर तक कोई ऐसा विद्यालय नहीं है। और इस विद्यालय के लिए हमें जो भी करना पड़े, जो भी अथक प्रयास करना पड़े, हम लगे रहेंगे, हम रुकेंगे नहीं, ना हिम्मत अभी तक हारे हैं ना हारेंगे। हम अपने दर्शकों को बता दें कि भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश प्रांत के सोनभद्र ज़िले में ओबरा इंटरमीडिएट कॉलेज स्थित है। इसके साथ ही दर्शकों को बता दूँ कि सोनभद्र की सीमा बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से मिलती है और यह पूरा की पूरा क्षेत्र उग्रवाद के चपेट में रहा है और सरकारें चिंतित रही हैं, चाहे सीमावर्ती प्रदेश प्रांतों की सरकारें हों, चाहे UP की सरकारें, और कभी कभी स्थिति ये बन गई है कि विषम परिस्थितियों में सरकारें बहुत कुछ इसको झेल चुकी हैं और सभी हम सभी मानते हैं कि उग्रवाद के पीछे अशिक्षा और असंतुलन सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होता है। सोनभद्र जनपद में सोनभद्र मुख्यालय पर भी कोई राजकीय इंटर कॉलेज नहीं है, बालिका इंटर कॉलेज है। और उसके बाद जब हम इधर नीचे आते हैं, चोपन, ओबरा, डाला, आसपास के क्षेत्रों में कहीं भी इंटरमीडिएट कॉलेज नहीं है। और ओबरा इंटरमीडिएट कॉलेज की स्थापना हुई थी यहाँ जब तावी परियोजना स्थापित हुई 60 और 70 के दशक में, और उसके बाद से इस विद्यालय में लगभग पूरे सोनभद्र के और आसपास के जो प्रांतीय, चाहे आपका मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे झारखंड हो, बिहार हो, वहाँ के भी बच्चे, चूँकि यहाँ निःशुल्क शिक्षा मिलती रही है, वे यहाँ के पढ़ते रहे हैं। आनंद जी, आप ये बताइए कि इतना सब कुछ होने के बावजूद आप क्या मानते हैं, सरकार जानबूझ के ऐसा कर रही है या जो लोग सूचना यहाँ से नीचे से दे रहे हैं ऊपर, उन लोगों के द्वारा सही सूचना नहीं दी जा रही, इसलिए ओबरा इंटरमीडिएट कॉलेज का प्राइवेटीकरण किया जा रहा है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? सर, सबसे पहली वजह तो ये रही कि यहाँ से जितनी सूचनाएं जाती हैं बीच में दबा दी जाती हैं। ओबरा इंटर कॉलेज का 90% काम पूरा हो चुका था GIC बनाने में 2008 में, लेकिन अचानक से ये काम बंद हो जाता है और ये काम पूरा होने के अपने कागार पे जा करके पीछे हो जाता है। इसका यही मतलब है कि जब सारे काम होने के बाद बंद हो गया तो सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है कि पूरे ओबरा इंटर कॉलेज में जितने भी शिक्षक हैं वो अपना अथक प्रयास नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण आज यह परिणाम आ गया है। अगर सारे शिक्षक, हम कह रहे हैं सारे शिक्षक छोड़िए, ओबरा के वासी ही चाह लें तो ये ओबरा इंटर कॉलेज जो है प्राइवेट नहीं हो सकता। और ये कितनी बार हम बोले कि ओबरा इंटर कॉलेज को जब भी प्राइवेट करेंगे, भले ही आज ये कह देंगे कि 2 साल तक मैं फीस नहीं लूँगा, लेकिन उसके बाद जो ये मनमानी आज प्राइवेट में देखी जा रही है, पूरा ओबरा वासी जानते हैं कि आप कहीं भी चले जाएं, हर चीज़ के लिए डोनेशन 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 फीस डोनेशन फीस करके वो बच्चों को मार डालते हैं डोनेशन फीस करके। और अगर जब बच्चे दे नहीं पाते हैं तो आप सीधे से वो नाम काट के हटा देंगे। गरीब के बच्चे डोनेशन नहीं दे सकते जितना उनकी डिमांड होगी। अब जब इस बात पर पूरे ओबरा वासी अगर खड़े हो जाते हैं कि नहीं, ओबरा इंटर कॉलेज को प्राइवेट ना किया जाए, तो हम कह रहे हैं कि नहीं हो सकता है, लेकिन हमें सबका साथ चाहिए। आप सबके साथ के बिना ये कुछ नहीं हो सकता है। अगर कोई ऐसा कहता भी है कि ये गलत बात है, ये झूठा है, तो पूरे एविडेंस और प्रूफ के साथ हम लोग खड़े हैं। आइए और हमसे मिलिए, हम आपको सारा एविडेंस और प्रूफ, और CM साहब से भी यही हमारी निवेदन रहेगा कि उनको जब हम अपना एविडेंस और प्रूफ देंगे तो ज़रूरी ये रहेगा कि वो अपनी कार्यवाही अवश्य करें। और जहाँ तक मेरी सोच जाती है कि CM साहब ज़रूर इस पे कार्यवाही करेंगे। और दर्शकों को बता दूं कि उत्तर प्रदेश के विधानमंडल में ओबरा इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रांतीकरण अर्थात माध्यमिक शिक्षा परिषद को सौंपने की बात चल रही थी। इस संदर्भ में काफ़ी कुछ कार्रवाई हो भी चुकी थी। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि
जहाँ पर भी नई परियोजनाएं लगती हैं या जो पुरानी परियोजनाएं लगी हुई हैं, ओबरा में तो थर्मल परियोजना पुरानी भी है और नई परियोजना ओबरा सी अभी लगाई जा रही है। CSR में बात कही जाती है कि जब कभी भी हम नई परियोजना लगाएंगे तो वहाँ पर शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, बिजली, पानी, ये सब की व्यवस्था हम करेंगे और यहाँ जो पहले से व्यवस्था चल रही है वह भी व्यवस्था समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश शासन स्तर पर भी और विधानमंडल पर भी माननीय सदस्यों ने यह आवाज़ उठाई थी कि ओबरा इंटरमीडिएट कॉलेज को राजकीय क्षेत्र में चलाया जाए, पर वह काम नहीं हो सका, बल्कि ठीक उसके विपरीत ओबरा इंटर कॉलेज को प्राइवेट के रास्ते पर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। इन स्थितियों में स्वाभाविक है जो विद्यार्थी हैं, जो गार्जियन हैं इससे जुड़े हुए, उनके अंदर आक्रोश पनपेगा, नाराज़गी होगी और जब उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझेगा, नहीं समझ में आएगा तो स्वाभाविक है कोई ऐसा भी कदम उठा सकते हैं जो समाज हित में नहीं होगा। आनंद जी, आप ये बताएं कि आपके आंदोलन का तरीका क्या हुआ, किस तरह से अभी तक आप आंदोलन करते रहे? सर, हमारा तरीका तो अभी तक जो है गांधीगिरी ही रहा है और अभी तक पूरे ओबरावासी भी ये जानते हैं कि ओबरा इंटर कॉलेज बचाओ संघर्ष समिति ने आज तक कोई भी ना अभद्र व्यवहार किसी से किया है, ना ही उन्होंने अनुशासनहीनता किया है। जो भी है अनुशासन में हो रहा है और आगे भी अनुशासन में होता रहेगा। लेकिन सर, यही मेरी मांग होगी कि ओबरा वासियों से और मेरे जितने भी प्रधानाचार्य हैं, ईमानदारी से काम करें सर, ईमानदारी से रहें। अगर आप प्रयास करेंगे तो ज़रूर होगा, लेकिन आज हम आगे आ रहे हैं, इससे देखिए कि समाज में क्या मैसेज जा रहा है कि आज छात्र को आगे आना पड़ रहा है, इससे यही समाज में जा रहा है कि कहीं ना कहीं आप असफल हो रहे हैं। और हमारे ओबरा वासियों से यही निवेदन रहेगा कि जिस दिन हमने यह आह्वान किया और अभी फ़िलहाल में जब हम CM साहब से मिलने के बाद जब हम आएंगे तो एक हम नुक्कड़ नाटक करेंगे, इसलिए क्योंकि आपको बताएंगे कि ओबरा इंटर कॉलेज में अगर शिक्षा, जब ओबरा इंटर कॉलेज प्राइवेट हो जाएगा, ओबरा में शिक्षा का अभाव हो जाएगा गरीब वर्ग के बच्चों के लिए, तो ये समाज कहाँ तक जा सकता है, और इसके एक भविष्य के झलक दिखाएंगे हम लोग और आप सभी ओबरावासी आमंत्रित रहेंगे इसमें। सबसे बड़ा सवाल है कि केंद्र सरकार ने सोनभद्र ज़िले को पिछड़े जिला में घोषित किया, उसका फ़ायदा यह रहा कि सोनभद्र ज़िले को 2 IAS मिले जो एकदम यंग मिले, चाहे DM हो या CDO, यहाँ जो तैनाती होती है यंग तत्काल जो नियुक्त होते हैं ऐसे लोगों का, ताकि ज़िले का विकास हो। एक तरफ केंद्र सरकार की योजनाओं में सोनभद्र को पिछड़ा जिला घोषित करके विकास करने की कोशिश की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ जो विकास योजनाएं आम जनता के लिए हैं, जैसे दलित वर्ग है, वंचित वर्ग है, अभावग्रस्त हैं, कमज़ोर वर्ग हैं जिनके पास आर्थिक संसाधन नहीं कि वे अपने बच्चों को पढ़ा सकें, इसमें ओबरा इंटरमीडिएट कॉलेज का विशेष योगदान रहा है और ऐसे ओबरा इंटरमीडिएट कॉलेज का प्राइवेट को देने की कोशिश हो रही, जिसको लेकर के छात्रों के मन में गुस्सा है, नाराज़गी है, आक्रोश भी है और मेरे जैसा व्यक्ति इस बात को मानता भी है कि यह उचित नहीं है केवल ओबरा थर्मल परियोजना को कमाई का अड्डा न समझ करके, बल्कि ओबरा थर्मल परियोजना से जुड़ी हुई जो स्वास्थ्य की सेवाएँ हैं, शिक्षा की सेवाएँ हैं, इसको जनहित में बरकरार रखने की ज़रूरत है। और छात्रों से भी हम निवेदन करेंगे कि छात्र अपनी बातों को संवैधानिक तरीके से, अर्थात कानून व्यवस्था को कतई अपने हाथ में न लें, शांतिपूर्वक अहिंसात्मक तरीके से अपने आंदोलन को चलाते रहें। और हमें उम्मीद है कि आनंद जी आप लखनऊ जाएं तो योगी जी से मिले और अपनी बातों को रखें, और इस आशा और विश्वास के साथ कि सोनभद्र जनपद के लोगों के लिए शिक्षा व्यवस्था ठीक ठाक चलेगी। छात्रों से आपकी क्या अपील है, विशेषकर अभी आप इंटरमीडिएट के छात्र हैं 12 के, इसका अभिप्राय कि आपकी ये 17-18 होगी, इस उम्र में आपने इतने बड़े आंदोलन को अपने हाथ में लिया है जनहित में, तो इसके पीछे आपकी क्या सोच रही है? सर, सही बात कह रहे हैं आप। इतिहास का पन्ना पलट के देखिए सर, खुदीराम बोस कितने वर्ष के थे, उधम सिंह जब कसम खाए थे तो वो कितने वर्ष के थे, भगत सिंह कितने वर्ष के थे। तो गुस्सा उम्र नहीं देखती है सर, आपको गुस्सा कभी भी आ सकता है, स्वाभाविक है कि भी किसी को भी, लेकिन वो गुस्सा जायज़ है और वो परिस्थिति के अनुसार अगर मेरा गुस्सा जायज़ है तो मैं इसे बरकरार रखूँगा और ये गुस्सा मेरा जायज़ है। लेकिन इसे मैं छात्रों से भी, मेरी यही अपील रहेगी कि जितने भी छात्र हैं उनसे तो अपील मेरी हमेशा ही रहती है, लेकिन वो मानते भी हैं इस बात को, आज पूरे ओबरा इंटर कॉलेज के छात्र जो हैं मानते भी हैं, लेकिन दोबारा हम उनसे अपील करते हैं कि कोई भी आप ऐसे अनुशासनहीनता ना करें जिसके कारण हमारे आंदोलन को प्रभाव हो। और सभी छात्रों को मैं यही कहूँगा कि अपने माता पिता को, आप सभी अपने माता पिता को जागरूक करें कि समाज में क्या हो रहा है,
ताकि वो भी आए, ओबरा इंटर कॉलेज का निरीक्षण करें और देखें कि टॉयलेट की क्या व्यवस्था है, लाइब्रेरी की, लैब की क्या व्यवस्था है, वहाँ पे आपको वाचनालय है या नहीं, सभी चीज़ की व्यवस्था माता पिता की जिम्मेदारी है अगर वो आपको वहाँ पे पढ़ा रहे हैं। लेकिन आपके माता पिता ने कभी भी मैंने तो आज तक नहीं देखा कि किसी के माता पिता दस भी आ जाए, 10 की संख्या में, तो मैं कह रहा हूँ कि ओबरा इंटर कॉलेज को बदलने में समय नहीं लगेगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा समय चाहिए। अब ओबरा इंटर कॉलेज को जो है प्राइवेट करने के लिए जब टेंडर निकाल ही दिया गया है, 22 तारीख का डेट मांगा गया है, तो हम सोच रहे हैं कि 22 तारीख का डेट जो है इंतज़ार न करते हुए सभी ओबरावासी एकत्रित हों और इस लड़ाई में हमारा सहयोग करें। अभी हमारी बातचीत हो रही थी ओबरा इंटरमीडिएट कॉलेज बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक आनंद जी से, और आनंद जी से भी हम अपेक्षा करेंगे कि आपका जो उद्देश्य है उसमें आप सफल हों, आप हिंसात्मक तरीके से आंदोलन करें और जनता से भी अपील करें कि इस जैसे गंभीर मसले में वे भी विचार करें और अपने स्तर से आप प्रयास करें कि जो कमज़ोर वर्ग, वंचित वर्ग के लोग हैं, उनको शिक्षा से वंचित न किया जा सके। आपने हमसे बातचीत की, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।